So cute. एक्चुअली हमें इन सब की आदत सी हो गई है. तो गाइज अभी धूप आ गई है बाहर. मैंने सोचा है कि लाइक वीडियोस बनाते हैं एंड देन विल सेट आउट. मेरी शक्ल इस टाइम लुक लाइक ही ना. ठंड है ना यहाँ पे, मतलब हाथ ठंडे. ऑफ कोर्स ठंड होने की मेरी आंखें देख. हाय कृष्णा, बाय. सो मैंने सोचा है मैं ये पहनने वाली. मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया तो जस्ट क्रीम. गाइस कृष्णा आल सीओ की तरह बेड पे लेटा हुआ है. उसको कुछ काम धाम नहीं, वो हिल भी नहीं रहा है कि हम बाहर आए हैं, लेट्स एक्सप्लोर एंड ऑल. मिस वो कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है, मारते हैं इसको. तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और निकल पड़े हैं खाने की तलाश में पहाड़ों में. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रजनी व्लॉग. तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर. मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, फिर से एक नए व्लॉग के साथ. तो फ्रेंड्स जो भी मेरे व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें. तो फ्रेंड बढ़ते हैं आगे की तरफ. तो आज का व्लॉग है बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं या फिर मज़ेदार भी कह सकते हैं. सोचा तो क्या था लेकिन क्या हुआ, तो देखते रहिए आगे क्या क्या होगा. तो फ्रेंड्स यहाँ हम रेडी होकर निकल पड़े हैं. हमने सोचा कि हम आगे जाएंगे टिहरी डैम पे, लेकिन यहाँ जैसे ही हम लंच करने पहुँचे तो मौसम था ख़राब. अचानक से मौसम ख़राब हो गया. यहाँ पहाड़ों में पता ही नहीं चलता मौसम अचानक से ख़राब हो जाता है. कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश, कभी ओले, कुछ समझ में नहीं आता यहाँ का मौसम. तो फ्रेंड्स यहाँ हम गए तो थे लंच करने के लिए. हमने सोचा लंच करके हम लोग निकलेंगे. ये देखिए कृष्णा है, कृष्णा सुंदर सा कैसा हो गया है कि मतलब उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है. एक तन्नू ही है जो बिल्कुल एक्टिव रहती है. यहाँ का मौसम इतना ठंडा है कि मैं नहाने गई तो मेरे दांत इतने बज रहे थे कि मेरा मुंह भी दुखने लगा. मैं सोच रही नहाऊँ या नहीं नहाऊँ, फिर भी मैं नहा ली. मैंने सोचा चलो नहा ही लेते हैं. तो यहाँ खाना आ चुका है. खाना बड़ा सिंपल सा था, खाना बहुत ही टेस्टी था. लेकिन एक कृष्णा थोड़ा सा उसका मूड ऐसी था, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि पता नहीं क्यों वो पहाड़ों में जाके थोड़ी सी उसे दिक्कत होती है. और सबसे ज़्यादा शौक भी उसी को होता है कि मुझे जाना है. ये ट्रिप भी उसी ने प्लान की थी, उसी ने प्लान किया था कि ये सरप्राइज ट्रिप उसी ने नेट पर सर्च की थी. ये जगह उसे बहुत प्यारी. लोग खड़े हैं एवरेस्ट की चोटी पे, सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं. ऐसा कुछ नहीं है, एवरेस्ट की चोटी नहीं है. जस्ट किडिंग. हम कहां किसी रेस्टोरेंट के यहां खड़े हैं जिसकी हाइट इतनी है, तो मम्मा डर रही है. एंड वो रहा हमारा होटल, वहां पे वो हमारी कॉटेज है. कॉटेज? हां, सच एंड ब्यूटी.
it's look like it's gonna rain. बादल आवाज़ें कर रहे हैं। तो गाइस ओले पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सुबह से कई बार बारिश हो चुकी है, ओले पड़ चुके हैं, बार बार मौसम ख़राब हो जाता है। जब सोचते हैं कहीं चलने का तभी मौसम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मौसम कुछ अजीब ही है। तो अभी सोचा था कहीं जाने के लिए, तो फिर मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, ओले पड़ने लगे, तो इसलिए हमने दोबारा स्किप कर दिया कहीं जाना। हम लोग नहीं गए, अपने कॉटेज से वापस आ गए। हमने सोचा जब बारिश बंद हो जाएगी तो जाएंगे, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। It's insane यार, like beauty. आप खड़े हो, तेरा शॉट लूंगी। Wow. अब हम जा रहे हैं अपने कॉटेज वापस। I guess it's resort. Let's go. गाइस इतनी ठंड है यहाँ पे, लाइक बारिश हुई है, ओले पड़े हैं पूरे टाइम। मैं ये क्या बांध के घूम रही हूँ, तो ठंड हाथ में बस थोड़ी देर बाहर आई थी कि रात को भी अच्छा लगता है। मैं सुनी हूँ पूरी तरह, अब लोगों को व्यू दिखाऊँ लग कैसे रही। कृष्णा की मैंने जैकेट डाल लिया। बाय द वे चेक आउट दिस प्रॉपर्टी, आई विल मेंशन ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स वेरी गुड, लाइक अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है बट इट्स वेरी गुड। ये यहाँ से व्यू आ रहा है, हवा चल रही है, मेरे हाथ पूरे ठंडे हो रखे हैं। स्टिल आई एम ब्लॉगिंग। अम्मा कैसे मजा आ रहा है, ठंड लग रही है। Holy shit भाई, मैं फ्रीज तो नहीं हो गई क्या? मैं फ्रीज नहीं होती। देखो जगह जो कितनी बढ़िया है यार, बढ़िया। अब अलग आसमां, ठंड लग रही है मुझे, लेकिन ना जाऊं। एक्सरसाइज कर रही हूँ क्या? बाल ठीक करो अपने, पूरे खराब हो गए। कितनी सुंदर लग रही है मेरी गलगट्टू, मेरी क्यूटी पाए। अच्छा लग रहा है, बहुत ही सर्दी है यहाँ पे। हाँ भाई हाथ
तो हाथ ही भर जम गए। आ जाओ मम्मा। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, कभी बारिश कभी ओले, मौसम पल पल यहाँ बदलता रहता है तो सेफ भी नहीं था पहाड़ों पे बाहर निकलना, इसलिए हम लोग बच्चों को देखते हुए नहीं निकले। हमने सोचा देखते हैं अगर कल मौसम अच्छा रहेगा तो कल बच्चों को घुमाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।